ओके जी, आज हमारे घर में बहुत दिन बाद दाल चा बना हुआ है, मटन के साथ दाल और वो जो लौकी, वन ऑफ माय फेवरेट आई थिंक, लगता है कंफर्ट फूड है मेरा। और ना वाइल कभी कभी बस आपके घर में चीजें हट जाती हैं लिस्ट से, तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। बाय द वे घर का गर्म मसाला होना, वो चटके खाए मजा आ जाएगा। लिंक दिया हुआ है रेसिपी, इसके कैप्शन में भी है, जाके देखें हमारी बेगम ने कैसे बनाई ये रेसिपी है। सबसे पहले मेरे पास हाफ कप अरहर की दाल या जिसको तुअर की दाल कहते हैं वो है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। हाफ कप मेरे पास लाल मसूर की दाल है, ये सारी मैंने धो के भिगा दी थी आधे घंटे के लिए, और उसका पानी फेंक के अब मैं सारी पतीली में ऐड कर रही हूँ। 1/4 कप मेरे पास चने की दाल है, 3 कप मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून हल्दी, 10-12 कड़ी पत्ते मिक्स करके अब मैं इसे बॉईल होने के लिए चढ़ा दूंगी, और हमने दालों को कम्प्लीटली गला लेना है बिल्कुल। 1/2 कप मैंने ऑयल गरम कर लिया है, इसके अंदर मैं 2 सिनेमन स्टिक्स दालचीनी, 2 से 3 ग्रीन कार्डमम छोटी इलायची, 6 से 8 लौंग और 3 से 4 बे लीव्स तेज पत्ते डाल दूंगी, साथ में 1 टीस्पून जीरा। 10-12 सेकेंड्स तमाम गर्म मसाले को फ्राई करेंगे। 2 दरमियाने साइज की प्याज है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, अगर बड़े साइज की है तो आप 1 प्याज डाल दें। प्याज को हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे, प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो अब इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून ही जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर पिसी हुई हरी मिर्च ऐड कर दूँ, ग्रीन चिली पेस्ट। फ्राई करेंगे थोड़ी देर, और अब इसके अंदर मेरे पास 1/2 केजी मटन है, बकरे का गोश्त, ये मैं ऐड कर दूंगी। आप इसको चिकन या बीफ के साथ भी बना सकते हैं। गोश्त को अब हमने फ्राई करना है, भूनना है अच्छी तरह से। 3 से 4 मिनट गोश्त को तेज आंच पे भूनेंगे, इसका पानी कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मेरे पास 4 दरमियाने साइज के टमाटर थे, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी, तकरीबन 1 पाव से थोड़े ज्यादा है। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट। तमाम मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसको मजीद फ्राई करेंगे, ताकि जो भी मसाले हमने डाले हैं इनका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी तरह से भुन जाए। 2 से 3 मिनट हम इसको और फ्राई करेंगे। कुछ देर इसको भुनने के बाद जब तेल ऊपर आ जाएगा, अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ, 1.5 से 2 कप, डिपेंड करता है आपके गोश्त पे कितनी देर लगती है उसको गलने में। 2 कप पानी ऐड करके इसके बॉयल आने का वेट करेंगे, और जब बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसकी आंच हल्की कर दूंगी और गोश्त को कम्प्लीटली गलने तक हम इसको पकाएंगे। ओके, दाल बिल्कुल गल चुकी है, ये देखिए, इसको हल्का सा हम घोट देते हैं। दाल को घोट के इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, थोड़ी सी साबुत रखी है, थोड़ी सी हमने घोट दी है। इसको मैं अभी चूल्हा बंद करके साइड पर रख देती हूँ। गोश्त भी काफ़ी हद तक गल चुका है, थोड़ी सी कसर इसके अंदर है। इस टाइम पे मैं इसके अंदर, ये मेरे पास 1 बड़े साइज़ की लौकी थी, इसको मैंने उबलते हुए पानी में 2 मिनट के लिए डाल के बॉईल कर लिया था, और फिर ये आधी गली हुई लौकी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आप डायरेक्टली बगैर बॉईल किए हुए भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं लौकी हमेशा बॉईल करने के बाद मसाले में ऐड करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि समटाइम्स टमाटर मसाले में होने की वजह से लौकी में थोड़ी सी कसर रह जाती है, और खाने में वो हल्की सी कच्ची कच्ची सी महसूस होती है, तो इस वजह से बॉईल करके डाल लेंगे तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी शक की। लौकी ऐड करने के बाद अब मैं इसको दरमियानी आंच पे 10 मिनट मजीद पकाऊंगी। दस मिनट के बाद अब ये जो दाल हमने बॉईल करके रखी थी ये हम इसमें ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। दाल ऐड करने के बाद इसके अंदर, ये मेरे पास इमली का पल्प है, 3 से 4 टेबलस्पून ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, तो मिक्स कर देंगे। अच्छा, अगर आपको लगे कि आपका जो ये दाल है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, तो आप इसके अंदर इस टाइम पे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं रखना हमने, थोड़ी सी इसकी आपको कंसिस्टेंसी चेक कराती हूँ। इस तरह से इसकी थोड़ी सी लिक्विडी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए,
1 टीस्पून मैं इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूंगी। अच्छा, ये होममेड गरम मसाला है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। गरम मसाला ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे और अब मैं इसको लिड कवर करके हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रखूंगी। 2 से 3 मिनट के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और मिंट पुदीना ये ऐड कर दूंगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, दालचा बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम लगाएंगे बघार। बघार के लिए मैंने एक पैन में 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है। उसके अंदर मैं थोड़ी सी प्याज स्लाइस की हुई ऐड करूंगी। प्याज के साथ 2 से 3 साबुत लाल मिर्चें, 1 टीस्पून के करीब जीरा ऐड करूंगी। अब चूल्हा बंद करके मैं इसके अंदर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त बघार का कलर आएगा। दाल के अंदर ऐड कर दूंगी। ये थी हमारी आज की मजेदार सी दाल गोश या दालचा की रेसिपी। इसे बघारे हुए राइस, नान या चपाती के साथ एंजॉय कीजिए, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके घर में दाल गोश या दालचा किस तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार सी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।